हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएट विद मोनिका। ये जो वीडियो रहने वाली है ये बिगनर के लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो रहने वाली है, जिनको बुकरम के बारे में नॉलेज नहीं है कि हमें कौन सी वाली बुकरम यूज़ करनी है। ये देखिए, एक मैंने फोम का पीस लिया है और दूसरी मैंने जो सिंपल बुकरम आती है वो ली है। पहले के टाइम पे तो ये वाली बुकरम ही चलती थी, अब तो काफ़ी तरीके की बुकरम चल गई हैं। पेपर पेस्टिंग हो गया, फोम वाली हो गई। ये देखिए, इसमें चूना होता है, ये इस तरीके से जल्दी सिकुड़ जाती है। तो आप ये वाली बुकरम तो बिल्कुल भी मोहरी के लिए यूज मत करिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगी फोम वाली बुकरम या फिर पेपर पेस्टिंग, और मोहरी में तो आप फोम वाली बुकरम ही यूज़ करिए, क्योंकि इस पर जो भी हम डिज़ाइन बनाते हैं ये सिकुड़ती नहीं है। डिज़ाइन वैसा का वैसा हमारा क्लियर दिखता है और बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ में हमारा डिज़ाइन बनता है। ये देखिए इस तरीके से, ये मैंने 3 इंच फोम की पट्टी ली है। आप चाहें तो कटी हुई भी मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, आप कटी हुई भी ले सकते हैं, या फिर अपने अकॉर्डिंग जितनी हमें चौड़ाई रखनी है उतनी हम बुकरम को काट सकते हैं। और अगर हम पट्टी 3 इंच चौड़ी लेते हैं तो जो कपड़े का जो पीस है वो लेंगे हम 5 इंच 6 इंच हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है। सिलाई हम कपड़े के साइड में लगाएंगे तभी हमारी फिनिशिंग आएगी। और अगर हम 6 इंच पट्टी लेते हैं तो वो दिखेगी नहीं कि हमारी सिलाई कहाँ लग रही है। ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और हम फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, आप दिखाती हूँ मैं आपको कैसे सिलाई लगानी है साइड में। ये देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगाते हुए इसको तैयार कर लेंगे। साइड में हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ना है जिसके ऊपर सिलाई लगेगी। बुकरम पे सिलाई बिल्कुल भी हम नहीं लगाएंगे, ये चीज़ की गलती आप बिल्कुल भी मत करना, तभी हमारे जो पोंचे होते हैं मोहरी होती है उसमें फिनिशिंग नहीं आती है। ये देखिए मैंने इसको रेडी कर लिया है सिलाई लगा के। ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी सिलाई लगी है। और अगर हम 6 इंच का कपड़ा लेते तो बिल्कुल भी हमारे पता नहीं चलता कि हम सिलाई कहाँ लगाएंगे। ये देखिए, अब मैंने ये सलवार का मैंने तैयार कर ली है पहले से बना के, और इसके ऊपर हमने जो अभी रेडी की है हमारे, ये देखिए पट्टी लगा के फोम वाली, इसको इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे साइड में थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए। और देखिए सिलाई, यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से जो कपड़ा बचा था साइड में वहीं पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमें सीधी सिलाई लगानी है, कभी ऐसे नहीं करना थोड़ी बुकरम पे लगा दी फोम पे या फिर थोड़ी कपड़े पे, तो फिर बिल्कुल भी हमारी मोहरी नहीं बनेगी अच्छी। ये देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखिए, दोनों मोहरी पे मैंने फोम लगा के इसको रेडी कर लिया है। ये देखिए, आपको मैं इसे सीधा करके दिखाती हूँ, इस तरीके की हमारी फिनिशिंग आई है। और अगर हम इस पे मोहरी का डिज़ाइन बनाते हैं वो भी काफ़ी सुंदर डिज़ाइन बनेगा, क्योंकि मोहरी में फिनिशिंग से ही हमारा डिज़ाइन अच्छा बनता है। अगर फिनिशिंग ही नहीं है तो हमारा डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।